भाई आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी फनी लगे ना तो सब्सक्राइब करके जाना यार। And I am from a very civilized city. Meerut. Noida. हमारे आओ कभी, वहाँ आदमी ज्यादा खबर आती है फिर प्रॉब्लम हो जाती है। एंड आई बिलोंग टू वेरी सिविलाइज कम्युनिटी ऑल्सो। जाट हूँ मैं। थैंक यू। एंड आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। तो कहते हैं कुछ नहीं करते, एलएलबी करते हैं। वो नहीं हूँ मैं, मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया। क्योंकि कोटा होता है ओबीसी नाम का, मेरे पास कोटा था। एक कोटे के साथ प्रॉब्लम पता क्या है, कोटा एडमिशन लेने के बाद नहीं चलता। जब मेरा एडमिशन 20 नंबर कम पे हुआ है तो अंदर जाके पासिंग मार्क्स सबके सेम क्यों है? अंदर जाके पास ही नहीं हो जा रहा। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिवजी के सपने में आ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो बस। फिर एग्जाम्स आए। हाँ मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ओबीसी से ओसीबी में दुनिया देख ली थी मैंने। एग्जाम साहब ने पहली बार एग्जाम दिए, हम सारे फेल हो गए, बस ओबीसी वाले, बाकी सब पास हो गए। हमें लगा डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने कहा नहीं तुम चूती हो। हमने कहा क्या करना है, करे जाके पढ़ाई करो। हमने कहा ये जैसे पता ही नहीं था हमें। हमें ठीक है हम कर लेंगे कुछ। हम हॉस्टल पहुंचे, हमने जाके कमेटी बनाई, सारे ओबीसी इकट्ठे किए। हमारे ग्रुप में आधे नोएडा गुज्जर, आधे मेरठ मुजफ्फरनगर के जाट, और 2-3 इस देश के कोनों से आए हुए लोग। सबने कमेटी बनाई कि अब से हम करेंगे चीटिंग। हाँ लेकिन हम करेंगे सामूहिक चीटिंग। सामूहिक चीटिंग पता क्या होता है, मैं बताता हूँ। चीटिंग का सोर्स एक होगा, पास सारे हो जाएंगे। हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन पेपर देखा अपना, मैंने कहा इसमें ना ट्रू फॉल्स आते हैं 20 नंबर के, मैंने कहा ये टीपने बस पास हो जाएंगे। हमने प्लान बनाया, एक लड़के को टास्क दिया, हमने कहा एक काम करियो आगे वाली कॉपी में से ट्रू फॉल्स देख लियो और बाथरूम के गेट के पीछे लिखाइयो। हम सारे एक एक करके जाएंगे, ट्रू फॉल्स देख के आ जाएंगे। सिंपल। पहले दिन ट्रू फॉल्स लिख के आया कि खुद ही मायूस खड़ा हुआ है। हमने क्या हुआ, कह रहा वहां ना 1,500 ट्रू फॉल्स लिखे हैं। बहन से पहले सो रहा है, हमारा यूनिक नहीं था। मैंने कहा एक काम कर, हमारे वाले ट्रू फॉल्स पे एक बॉक्स बना क्या। हाँ एक बॉक्स बना क्या, हमें पता चल जाएगा हमारा है। लिख के आया, आधे लौंडे अब भी फेल हो गए, क्योंकि जो लिख के आया ना इसकी हाइट है 6 फुट 4 इंच। जब तक हमको चेंज करते हैं, नेक्स्ट डे हमारे टीचर को ही पता चल गया। उसने एग्जाम में लिख दिया इफ ट्रू व्हाई, लॉन्डे उसमें भी लिख रहा है बिकॉज इट नॉट फॉल्स। क्या क्या लॉन्ग आंसर से टफ बना दिया उसने। तो उसके बाद में ज्यादा क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं है, पहला वाला दो। हाँ हमें डिग्री चाहिए, वापस आओ। हमने वो पुराना वाला लिया। अब प्लान किया कि कुछ दरवाजे पर लिखेगा यार, थोड़ा स्मार्ट। उन्होंने डिसाइड किया कागज पे लिखेंगे और एक कागज वॉशरूम में लड़का छिपा के आ जाएगा। फिर 1 घंटे बाद जब टीचर को नहीं पता चलेगा तब एक लड़का जाएगा, कागज लेके आएगा, सबको पास कर देगा। सिंपल। अब जो कागज लेके लेने गया था ना, उसे दुनिया की सेफेस्ट जगह मिली, पेन की कैप। उसने पेन की कैप में फर्रा देके पेन बंद कर दिया। बेंचो फर्रा फंस गया, ये अपनी सीट पे बैठ के टक 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 कर रहा है, फर्रा ही बाहर नहीं आ रहा।
हम इसे कह रहे फर्रा पास कर तो पेन की कैप दे रहा, क्लास में पेन की कैप घूम रही है, थोड़ी देर में टीचर को कैप मिल गया, वो कैप का पेन ढूंढ रहा है, और जिसका पेन था ना इसने पेन फेंक दिया, ये चूतिया बिना पेन के बैठा है खाली हाथ, टीचर आया कह रहा तेरा ही पेन है, कह रहा मैं तो पेन लाया नहीं, ये नाम कैसे लिखा, कह रहा ये आगे वाले से मांगा था, आगे वाले ने पेन मुझसे मांगा, कह रहा तो आप ही का पेन है पहचान नहीं पा रहे हो, टीचर कह रहा बेटा चीटिंग लगी तुझ पे तू गया आज, कह रहा ऐसा नहीं लगती चीटिंग, इतना कानून मैं भी जानता हूं, कानून का ही पेपर है जानता है तो लिख दे, कह रहा लिख तो दोबारा पेन नहीं है ना, और ये बच्चे नीचे ले क्लास के एक तरफ, इसका एक दोस्त बैठा वहां, उसे ये भी नहीं पता है वो क्या रहा है, वहां से हाथ उठा कह रहा सर मेरी कैप है, कह रहा यहां कैसे आ गई है, कह रहा मैंने फेंक दी थी, कह रहा हमने तो नहीं देखा, कह रहा तो पकड़े जाने के पर्पज से फेंकी भी नहीं थी, टीचर घूम के गया इसकी सीट पर जाके इसका पेन उठाया कैप उठाया, कह रहा बेटा इसकी कैप ही नहीं है तो उसमें टाइट है, कह रहा तभी तो फर्रा फंस गया, टीचर ने कैप लिया वो अपनी सीट पर जाके टक 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 कर रहा, फर्रा अभी भी नहीं निकला, टीचर ने कैप तोड़ी फर्रा निकाला उस पर लिखा 4 true 6 false, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा मैं सोचता है कौन ये कर लो चीटिंग, पास तो नहीं मजा हो रहा लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं था ना हमारे पास, प्लानिंग थी, एक लड़के ने हमारा समूह ही तोड़ दिया, हाँ इसे हम पे विश्वास नहीं था, इसने कहा मैं अपने आप कर लूंगा, हमने कहा ठीक अब नेक्स्ट डे हमें सिर्फ इसे देखना है, आज नहीं होना पास, इसको देखेंगे आज क्या करेगा, इसे अपने शरीर की सबसे अच्छी जगह मिली पैर के नीचे, ये पैर के नीचे नोट्स लिख के ले गया, जब तक हॉस्टल से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा ना वो छप गया चप्पल पे उल्टा, अभी एग्जाम में बैठ के भी चप्पल घुमा रहा, टीचर आ गया क्या ये कह रहा डिजाइन है, कह रहा एक चप्पल पे कह रहा हाँ सस्ती ली थी तुझसे मतलब, टीचर ने उठाया देखा कह रहा इससे करके दिखा चीटी कर कर, ये पहन के बाथरूम चला गया, टीचर पीछे पीछे शीशे का चप्पल ले खड़ा हुआ है, पापा आज मैंने भाग कर शादी कर ली पर बेटा लड़की तो हाइट में बहुत छोटी है, पापा प्यार अंधा होता है, बेटा कोई बात नहीं पर बहू का थोबड़ा तो दिखाओ, हेलो गाइस साइन सनी लियोनी मैं कहना चाहता हूँ, उसी टाइम हमारी क्लास में अब्दुल, अब्दुल ओबीसी क्लास में लास्ट था, इसे कोई उम्मीद थी दुनिया से, ये जी चुका था जिंदगी इसका हो गया था, ये आया कह रहा कि यार देखो ऐसा है मैं तो ना पढ़ पाता हूँ ना चीटिंग कर पाता हूँ तो मैं ना क्लास को डिस्टर्ब कर दूंगा, क्यों कह रहा देखो जब मैं डिस्टर्ब करूंगा तो टीचर मेरे पास आ जाएगा, तुम सब पीछे से चीटिंग कर लेना, कहो हम सब में एक सैक्रिफाइस भी कर रहा है, मैंने कहा ठीक है, एग्जाम शुरू हुआ है पहली सीट पे बैठा टीचर की तरफ देख के अपना हाथ देख के लिख रहा है, हाथ पे लिखा नहीं इसका कुछ, ये बस बकचोदी कर रहा है, जैसी टीचर ने इसकी तरफ देखा हाथ बंद कर लिया, टीचर इसकी तरफ आया हाथ पीछे कर लिया, और इस टाइम पर हमें चीटिंग करनी है हम अब्दुल को देख रहे हैं, मजा इतना आ रहा था हाथ ही नहीं खोल रहा, टीचर सर पे खड़ा हाथ खोल कर नहीं खोलूंगा, करस पे भी लिखा कर पागल है क्या, टीचर ने जब तक उसकी वाली उंगली मोड़ के आने लगा दी ये नहीं खोल रहा, कह रहा अच्छा एक सेकंड खोल रहा हूँ खोल रहा हूँ, अल्लाह रहम रहीम, टीचर की तशरीफ फट गई, पागलों की तरह घूम रहा है क्या हुआ भैया, हमसे आए कह रहे इसके हाथ पे कुछ लिखा था, मेरे को पता है नहीं, हमने तो ये भी सुना ऐसा काला जादू आता है, टीचर ने उसे पास कर दिया हमें फेल कर दिया बेंचर, लेकिन हम इंप्रेस हो गए,
हमने कहा इतना जीनियस लड़का हमारे बीच का यार होता, हमने कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया उसको, हाँ हॉस्टल तक लेके आया कमरा बिठा के बाहुबली बोल के, हॉस्टल चल। अगले दिन ये चढ़ भी गया प्रेसिडेंट बन के, कह रहा नेक्स्ट प्लान बहुत सही है। क्या? कह रहा ऐसा प्लान है पेपर कैंसिल हो जाए। मैंने कहा कर दे यार प्लीज। क्या प्लान है? कह रहा देखो 10 से 1 का पेपर है, 12:05 पे मैं खांसूंगा, तुम सब अपनी टेबल हिलाने लगना। ये ग्रेजुएशन में हो रहा है। हमने कहा उससे क्या होगा? कह रहा टीचर को लगा भूकंप है, वो कहेगा भाग, तो अपनी आंसर शीट लेकर भाग जाएंगे, पेपर कैंसिल। मैंने कहा मैं फकिंग जीनियस। अगले दिन एग्जाम में 12 बजे तक किसी ने कुछ नहीं लिखा है, कैंसिल होने वाला था। 12:05 पे खांसा, हम सब अपनी टेबल हिला रहे, टीचर ने बाहर जाने को बोला ही नहीं, और इसने हमें ये नहीं बताया रुकना कब है। अब अगर अलग अलग टाइम पर रुके तो भूकंप खराब हो जाएगा। ये सिग्नल देके खांस रहे हम और तेज ला रहे, टीचर ने आगे वाली रो को घूरा ये रुक गए, पीछे वाले अभी भी ला रहे, टीचर घूरता चला गया सब रुकते चले गए, तो लास्ट सीट पे बैठा था खड़ा हुआ कह रहा सर भूकंप आया था वो ना ऐसे करके निकल गया। टीचर कह रहा इधर आइयो, चमन छूती है, अगली बार भूकंप आया ना तो सब बता दियो कि टीचर्स टेबल भी लानी होती है। आदमी को गुस्सा आना मर्द की निशानी है, हाँ आदमी को गुस्सा आना मर्द की निशानी है, और उस गुस्से को पी जाना ये शादीशुदा होने की निशानी है। सुना है कोरोना वायरस की दवा बन गई, यह बात सच है क्या बताइए? हाँ बन गई, और नाम है GPR, मतलब घर पर रहना।